नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसन। दोस्तों, भारतीय टीम का पांचवा मुकाबला खेला जाने वाला है जो कि नामीबिया टीम के साथ खेला जाएगा, और ऐसे में नामीबिया के खिलाफ भारत की क्या होने वाली है प्लेइंग 11 बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम रखी है। शुक्रवार को खेले गए मैच में 86 रन के लक्ष्य को भारत ने 6.3 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। इस जीत के साथ भारत का नेट रन रेट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तथा अफगानिस्तान से भी ऊपर चला गया है। शुक्रवार 5 नवंबर को भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने स्कॉटलैंड की टीम को महज 85 रन पर ही ढेर कर दिया। टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट और फिर न्यूजीलैंड से 8 विकेट की हार ने टीम इंडिया के सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर दी थी। अफगानिस्तान के खिलाफ 66 रन की बड़ी जीत ने टीम इंडिया को फायदा पहुंचाया। इसके बाद अब स्कॉटलैंड के खिलाफ महज 6.3 ओवर में जीत दर्ज कर भारत ने नेट रन रेट में जबरदस्त सुधार कर लिया है। अब भारत अंक तालिका में अफगानिस्तान से ऊपर पहुंच गया है। टीम इंडिया का भविष्य अब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 7 नवंबर को होने वाले मैच पर टिका है। तो वही दोस्तों, एक नज़र नामीबिया के खिलाफ होने वाली प्लेइंग 11 पर डाल लेते हैं, जिसमें से रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या इस प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।